राधे राधे आप सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्रेव बैनर्स में। सबसे पहले आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस समय हम जा रहे हैं वृंदावन से राधा कुंड की तरफ। राधा कुंड का रास्ता कुछ इस तरीके से पड़ता है। अगर आप वृंदावन से बरसाना की तरफ जा रहे हैं तो आपको दो तीन रास्ते देखने को मिलेंगे गूगल मैप्स पे, जिसमें से एक रास्ता राधा कुंड के पास से होते हुए जा रहा है। तो हम यही वाला रास्ता ले रहे हैं। यहीं पे राधा कुंड के पास आपको श्याम कुंड देखने को मिलेगा और उसके बाद आप यहाँ से सीधा बरसाना की तरफ जा सकते हैं। अब हल्की हल्की सी ठंड शुरू हो चुकी है गाइस, आप देख सकते हैं। मैंने भी इस वक्त जैकेट पहनी हुई है और गर्मी भी थोड़ी कम है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट सीज़न है कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। अगर आप टू व्हीलर पर ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट सीज़न रहेगा। बाकी हमारा जो रास्ता है यहाँ से 20 मिनट का रास्ता कुछ और बचा हुआ है राधा कुंड पहुँचने के लिए वृंदावन से। तो इस समय हम पहुँच चुके हैं राधा कुंड परिक्रमा मार्ग पर। यहाँ से परिक्रमा मार्ग शुरू हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु आपको परिक्रमा करते हुए दिखेंगे। ये लगभग 9 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, जिसे छोटी परिक्रमा कहा जाता है। और इसके अलावा एक होती है बड़ी परिक्रमा जो गोवर्धन पर्वत के पास होती है, उसे 14 किलोमीटर की परिक्रमा है। दोनों मिला के टोटल 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। तो इस वक्त मैं अपने सारे लगेज के साथ चल रहा हूँ अपने स्कूटर पर। यही रीज़न है यहाँ स्कूटर पर आने का, वरना मैं आप सभी को पैदल आने के लिए यहाँ पर रिकमेंड करूँगा। क्योंकि जब आप यहाँ पैदल पैदल यहाँ पे परिक्रमा मार्ग पे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ की वाइब इतनी स्पिरिचुअल वाइब और इतनी अच्छी वाइब आपको वैसे नहीं मिलेगी स्कूटर से या गाड़ी से। जो मज़ा आपको पैदल घूमने में आएगा वो वैसे नहीं आएगा। तो अब लगभग हम पहुँचने ही वाले हैं, रास्ता ऑलमोस्ट कवर हो चुका है सारा। और अभी थोड़ी देर में राइट साइड में आप देखेंगे मेरे यहाँ पे राधा कुंड यहाँ से शुरू हो चुका है। आप यहाँ से भी नीचे जा सकते हैं, बट अभी हमारे पास स्कूटर है तो मुझे पहले स्कूटर पार्क करना होगा आगे जाके जहाँ से मेन एंट्रेंस है, और फिर वहीं से ही हम जाएंगे राधा कुंड। तो दोस्तों हम फाइनली पहुँच चुके हैं राधा कुंड। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। या इसके चारों तरफ आप देखेंगे घाट बने हुए नहाने के लिए, और आप ऐसे परिक्रमा भी कर सकते हैं। सामने की तरफ आप देखेंगे यहाँ राधा कुंड है, और इसके बिल्कुल सामने की तरफ आप देखेंगे उस तरफ जहाँ पिलर दिख रहा है आपको, वहाँ कृष्ण कुंड है। आज हम जानेंगे इस कुंड के निर्माण के पीछे जो कथा प्रचलित है उसके बारे में। एक समय की बात है, मथुरा के राजा कंस ने अरिष्टासुर नामक एक दैत्य को कृष्ण जी के वध के लिए भेजा। तो अरिष्टासुर अपना रूप बदल के कृष्ण जी की गैयाओं में शामिल हो गया। कृष्ण जी ने उसे पहचान लिया और उसके उपरांत उसका वध कर दिया। उसके पश्चात राधा जी ने कृष्ण जी को कहा कि आपसे गो हत्या का पाप हुआ है, इसका पश्चाताप आप कैसे करेंगे। और उसके बाद उन्हें कहा कि आप नारद जी से इसके पश्चाताप के लिए कोई उपाय पूछिए। तो नारद जी ने उसके उपरांत ये उपाय बताया कि आप सभी तीर्थों को प्रार्थना कीजिए कि वो जल के स्वरूप में आपके यहाँ आ जाए। तो कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी की मदद से कृष्ण कुंड की निर्माण करा, और उसके बाद सभी तीर्थों को वहाँ निमंत्रण दिया। तभी से माना जाता है कि सभी तीर्थ स्थल का अंश इस कुंड में है। ऐसा माना जाता है कि जो भी नव दंपति जिन्हें संतान होने में मुश्किल हो रही है, अगर वो यहाँ के राधा जी के कुंड में स्नान करते हैं हुई अष्टमी के दिन, तो उन्हें संतान प्राप्ति हो जाती है। अगर आप कभी भी हुई अष्टमी के दिन यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ हज़ारों जोड़े आके स्नान करते हैं राधा जी के कुंड में इसी आस। तो आपसे फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें और प्रेम से बोलिए राधे राधे।